सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ फिर से क्लास 11th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको लेकर हर एक बच्चा परेशान रहता है। हाई वेटेज का ये चैप्टर है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आप देखिए, हमें इससे रिलेटेड दो चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको चलाने वाला एक सिंगल पर्सन है, यानी कि एक सिंगल पर्सन के हाथ में ही उस पूरे बिजनेस की कमांड है, उसी का प्रॉफिट उसी का लॉस है। अब चाहे कोई पर्सन अकेला बिजनेस को चला रहा है, चाहे उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ वो बिजनेस को चला रहा है, हर एक पर्सन अपने बिजनेस को चलाते टाइम ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। क्या वो एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिट बना रहा है, या वो एक ऐसा बिजनेस है जो लॉस के साथ चल रहा है? तो अब ये जाना कैसे जाएगा? तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसमें एक होती है हमारी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरी स्टेटमेंट होती है हमारी द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये बताती है कि आपका बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कैसा है। तो उसके लिए यहां पर आपको दो अकाउंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें एक का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इन दो अकाउंट्स को बनाकर ये जानेंगे कि हमारा बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कैसा है। दूसरा है हमारे पास, दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, which is the statement of assets and liabilities। देखो, इसके अंदर हम किसी भी तरीके का कोई अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करेंगे। यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें ये तीन चीजें ही पढ़नी है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। आप कहोगे कि क्योंकि अब हम बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं, हम फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सब चीजों को जानते नहीं है, हम एक रिविजन मोड पे हैं। तो हमने पढ़ते टाइम ट्रेडिंग अकाउंट का नाम भी सुना है, हमने पढ़ते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस का नाम भी सुना है, बट ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आप इसको जानते हो बैलेंस शीट के नाम से। आप यहाँ पर बनाते हो एक बैलेंस शीट जिसके अंदर आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखते हैं, और उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। वन बाय वन हम तीनों चीजों के बारे में चलेंगे, पहले हम इनका इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। वन बाय वन हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है विद एडजस्टमेंट्स। तो चलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट को देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो बच्चों देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब अगर हम जनरली बोले तो उसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज अ ट्रेडिंग। बट ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाता कौन है? देखो, हम दो तरीके के बिजनेसेस को यहाँ पर देखते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेसेस जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे कुछ सर्विस बिजनेस भी हो सकते हैं जिनका काम सिर्फ सर्विस देने का है, तो वो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं होती। तो ट्रेडिंग अकाउंट को कौन बनाते हैं? जनरली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में वो करते क्या है? देखो, हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं, जब मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमने अपने सामान को बेचा नहीं है, हमारे फैक्ट्री में सामान आया, हमारे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग से हम कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जनरेट करने वाले हैं। देखो, कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, इस मोटिव के साथ स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है।
और कभी भी हमारी कॉस्ट हमारे बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिजनेस किसी काम का नहीं है जिसमें आप कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हो लेकिन अर्न कम कर रहे हो। तो यही चीज हम स्टार्टिंग पॉइंट में जानना चाहते हैं कि यार जब हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जब हमारा बिजनेस अभी एक फैक्ट्री के अंदर ही है, तो उस फैक्ट्री के अंदर हम उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस सफर कर रहे हैं। तो जस्ट उसी चीज को जानने के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम अपनी ट्रेड की सारी चीजें लिखेंगे। यार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीजें लिखेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉपर फॉर्मेट बना रही हूँ, आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर आप चीजें ऊपर नीचे करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, एक प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करनी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का रूल क्या है, सिंपल याद रखो कि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की तरह इसको ट्रीट करना है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स जितने भी खर्चे हैं सारे डेबिट साइड में लिखोगे, जितने भी इनकम या गेन्स है सब क्रेडिट साइड में लिखोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। चार चीजें तो देखो ये फिक्स है, ये चार चीजें तो बिल्कुल एज इट इज लिखनी है आपको। सबसे पहले है आपका ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका बिजनेस रनिंग कंडीशन में है तो आपके पास पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा होगा जो इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने नया नया बिजनेस खोला है तो आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, भाई आपने सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, चाहे कैश में परचेज किया हो चाहे क्रेडिट में परचेज किया हो, तो यहाँ पर टू परचेजेस में टोटल परचेजेस आती है। बट जरूरी थोड़ी कि जितना सामान हमने खरीदा सारा का सारा हमने रखा, कई बार वो सामान हम वापस भी करते हैं, तो आप यहाँ पर उसमें से माइनस कर देते हो अपनी सारी परचेजेस रिटर्न, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा कि ये रिटर्न आउटवर्ड है, बच्चा भूल जाता है। देखो मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को याद करने का। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं या सेल्स रिटर्न को। देखो हमने सामान खरीदा और वापस किया, बाहर जा रहा है सामान आउट, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या, ऐसे रिटर्न जो हम वापस दे रहे हैं, हम अपने यहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। हमने सामान बेचा और वो सामान हमारे पास आया, इन हो रहा है सामान, इन हो रहा है, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है इन, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इवन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि समटाइम्स ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखा होता है रिटर्न, एक डेबिट में लिखी होगी क्रेडिट में लिखी होगी। अब बच्चों को वहां पे भी कंफ्यूजन होती है कि ये सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है, तो क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न है, डेबिट वाली सेल्स रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल सेल्स है, कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है। माइनस करेंगे आप यहां से भी रिटर्न, कौन से वाली रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा आपको नीचे लाइन में गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीजें तो हो गई भाई फिक्स, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब आता है आपका नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, देखो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अब मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम आपके बहुत सारे खर्चे होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलो या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलो, कि भाई जिसके बिना प्रोडक्शन इनिशिएट नहीं हो सकता। अगर आपको खर्चा नहीं करोगे तो भाई प्रोडक्शन नहीं होगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बदलेगा नहीं। जब तक आपका सामान आपकी फैक्ट्री के अंदर है तब तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। जैसे कि लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको मेन मेन बता रही हूँ कि मेन मेन कौन से हैं। तो ये मेन मेन देखो जरा, सबसे पहले वेजेस। अब बच्चा कंफ्यूज होता है वेजेस और सैलरीज में। देखो वेजेस डेली बेसिस पे दी जाती है, सैलरीज मंथली क्वार्टरली इस तरीके से दी जाती है, तो वहां पर वो ऑफिस में दी जाएगी, वो फैक्ट्री में नहीं दी जा रही है। तो आप वेजेस फैक्ट्री से रिलेट करोगे, तो इसलिए वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का मतलब, फ्रेट का मतलब क्या है, किराया भाड़ा। भाई आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, आपको रॉ मटेरियल को अपने पास लेकर आना है, तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर ये जो आप पैसा भर रहे हो वो आपका हो गया फ्रेट इनवर्ड। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, वही बात की भाई आपने सामान मंगवाया, सामान को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये तो नाम से पता चल रहा है। पावर ऑफ फ्यूल, फैक्ट्री मशीनें लगी हुई है उसमें पावर लग रही है, उसमें फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री वर्ड होना चाहिए।
अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो उसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो ही हम उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ड्यूटी है इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से लेते हो तो वहां पे उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो भी यही पर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब तक रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में नहीं आएगा तब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, तो वो सारी चीजें यहीं पर आएंगी। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना है। अब क्रेडिट कौन सी वाली साइड है? इनकम वाली साइड। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। जो कहाँ जाता है? ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। वहीं पर अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी आ रही है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब आपने खर्चे ज्यादा किए हैं, कॉस्ट आपने ज्यादा लग रही है, आपको रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आ रहा है आपको लॉस, तो उसको बोलोगे आप ग्रॉस लॉस। ठीक है, चाहे दोनों में से कुछ भी हो, एक टाइम पे एक ही चीज होगी और वो कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो जस्ट इतना सा ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जो आपको पढ़ना है, बट इससे रिलेटेड तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो पहले आज हम वही डिस्कस करेंगे कि वैसे कौन से क्वेश्चन है जो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और उससे पहले फॉर्मेट लिख लीजिए एक जगह पर, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको लिख कर रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर 2020-23 की जो टीएस सरेवाल है उसका एडिशन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं जो भी आपको पेज नंबर बताऊंगी वो इसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो हम करा रही हूँ इसके अंदर पेज नंबर 18.58 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। पहले हम इसको करते हैं उसके बाद दूसरे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको मेन मेन क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें थोड़ी सी जो भी चीज मुझे बताने वाली है मेन वो चीजें मैं बता सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जिसमें सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। आपने फॉर्मेट बनाया, आपने ऊपर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2023। ठीक है, अब आपने डेबिट क्रेडिट का भी ध्यान रखना है कि आपने डेबिट क्रेडिट लिखा है। सबसे पहले आपको पता है कि क्या लिखते हैं यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक, और जो उन्होंने स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2022 का, तो वो आपको ओपनिंग स्टॉक ही है। कितना है वो ओपनिंग स्टॉक? 40,000। उसके बाद आपको दे रखा है परचेजेस। परचेजेस लिखने से पहले ये देख लो कि क्या आपके पास कोई रिटर्न तो नहीं है। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड भी है, तो इसका मतलब हमें यहां से रिटर्न माइनस भी करनी है। आपके पास 4 लाख की परचेजेस है और 80,000 की आपके पास रिटर्न है। देखो लिखने का तरीका देख लो किस तरीके से आपको इसको शो करना है। ठीक है, तो आपने यहां से 80,000 माइनस किया तो 3,20,000 की आपकी परचेजेस आ गई है। उसके बाद आपको सेल्स दे रखी है, बाय सेल्स, पहले ये 4 चीजें ही लिख लिया करो। सेल्स है 3,80,000 की, रिटर्न इनवर्ड भी है हमारे पास 20,000, तो यहां पे 3,80,000 माइनस रिटर्न्स 20,000, तो एक्चुअल में आपके पास सेल्स कितने की आ गई है? 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं ढूंढू तो देखो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास यहाँ पर है स्टॉक ऑन 31 मार्च 1,30,000, लेकिन एक और बात लिखी हुई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज ऑन 31 मार्च वॉज 1,20,000। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर 2 वैल्यूज आ चुकी है। एक है हमारे पास बुक वैल्यू जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है, जो कि कितने की है? 1,30,000। तो उसकी मार्केट वैल्यू जिसको हम रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं वो है 1,20,000। अब कौन सी वैल्यू लिखी जाए? देखो एक हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट होता है। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आपकी लेस वैल्यू है, जो भी कम वैल्यू है, आपको क्लोजिंग स्टॉक को उसी पर ही रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट द वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो भी आपकी कम वाली वैल्यू होगी आप उसी पर रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है Do not anticipate the expected profits, but do anticipate the expected losses. आने वाले losses को तो आपको record करना है, लेकिन gains को हम record नहीं करते हैं। ठीक है, तो as per our prudence concept, यहाँ पर जो हमारी कम वाली value है 1,30,000 ज्यादा है या 1,20,000? 1,30,000 ना, तो 1,30,000 हमारी book value है, 1,20,000 हमारी market value है, तो हम यहाँ closing stock को 1,20,000 पर record करेंगे as per प्रूडेंस कंसेप्ट। कई बार ये वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बाद अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे. देखो हम स्टॉक लिख चुके हैं, परचेजेस लिख चुके हैं, सेल्स लिख चुके हैं, कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड यस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ आप लिखोगे टू कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट. कितना है वो हमारे पास 20,000. उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हम लिख चुके हैं वेजेस एंड सैलरीज. देखो वेजेस एंड सैलरीज ना थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है. वेजेस अभी तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन अगर यहीं पर ऐसे लिखा होता सैलरीज एंड वेजेस, तो सैलरीज एंड वेजेस अगर लिखा है तो फिर वो ट्रेडिंग में नहीं आता, फिर वो आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्यों? क्योंकि वही जो मैंने आपको रीजन बताया कि वेजेस डेली बेसिस पे दी जाती है और वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन सैलरीज मंथली क्वार्टरली दी जाती है, वो हमारी ऑफिस से रिलेटेड है, यानी कि फैक्ट्री से बाहर आ चुके हो. तो अगर वेजेस यानी कि फैक्ट्री वाला पार्ट पहले लिखा है तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे, बट अगर सैलरीज पहले लिखा हुआ है यानी कि आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है सैलरी, तो अगर ऑफिस वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है तो सैलरीज एंड वेजेस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग में लिखना है, सैलरीज एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है. ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास कितने की है, ये है हमारे पास 50,000 की. बस अब और कुछ नहीं आया है इसमें, बाकी सब कुछ हम लिख चुके हैं. इधर साइड का टोटल हमें दिख रहा है 4,80,000 और इधर साइड का हमारे पास टोटल है 4,30,000. ठीक है, तो इस साइड का टोटल बड़ा है तो वही आप दोनों साइड में लिखोगे. यहाँ 4,80,000, यहाँ पर भी 4,80,000. 4,80,000 में से आपने माइनस करना है 4,30,000, तो कितना बचेगा आपका डिफरेंस 50,000. तो दैट मीन्स आपको मिला है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 50,000. बस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट. अब ये तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें सच कुछ खास बात नहीं है. अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी बताऊंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको करना भी आप लोगों ने सीखना है. ठीक है, अब ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में, जो आपको एक नंबर तीन नंबर तक का पूछा जा सकता है, और अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ पूछा जाए तो हो सकता है चार नंबर का भी आ जाए, पर चार नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, एक नंबर तीन नंबर इसी के लायक क्वेश्चन होंगे. तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से ही बना है ये फॉर्मूला. आप देखो आप इधर लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, उसमें से आपने प्लस करना है परचेजेस, फिर प्लस करने हैं आपने डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस कर देना है आपने क्या क्लोजिंग स्टॉक. तो वहीं से आपको ये पता चलेगा कि जिन गुड्स को आप बेचने जा रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक, इसको निकालने का दूसरा तरीका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. भाई जब आपने ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिया, नेट परचेजेस भी लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया, तो ट्रेडिंग में बचा क्या सेल और ग्रॉस प्रॉफिट है. तो बचा तो सेल में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो भी तो बची हुई चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, तो वहां से भी निकाल सकते हो. बट अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस तो डायरेक्ट वे प्लस हो जाएगा, तो नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. जब बात कर रहे हैं नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. लाइकवाइज यहां पर भी जब बात करते हैं नेट परचेजेस की, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न. ठीक, एडजस्टेड परचेजेस, एक आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई बार आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखे होंगे, तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, विच मीन्स कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो आपको सेपरेटली ये तीनों चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है. आपने एडजस्टेड परचेजेस लिख ली, दैट्स इनफ. उसके अलावा फिर आपको ये तीनों चीजें नहीं लिखनी है, बस आपको फिर क्या लिखना है सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है हमारे पास, अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं. अब मैंने यहाँ पर तीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हैं जो कि हमने जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड है. देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है. सीएस मतलब है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक. हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नेट परचेजेस दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस है, सेल्स है, ग्रॉस लॉस है, फ्रेट इनवर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं. अब मैंने आपको जो भी फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तो फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं है, तो अब क्या क्लोजिंग स्टॉक निकल नहीं पाएगा क्या? देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने किस फॉर्मूले में पढ़ा है. मैंने आपको जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था मैंने आपको सीओजीएस का. क्या था वो फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आपने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक देखा है,
तो यही फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने में. देखो मेरे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, जबकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं है. तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करना होगा. अब इस फॉर्मूले से तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. तो फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? तो फिर हम उसके दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अब देखो क्या यहाँ पर नेट सेल्स है, सेल्स लिखा है, नेट सेल्स लिखा है, रिटर्न नहीं दे रखी, तो बात एक ही है, यानी कि यही है मेरी नेट सेल्स है. ग्रॉस प्रॉफिट, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास? नहीं. तो मुझे तीसरे फॉर्मूले की तरफ जाना होगा, विच इज नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. तो भाई मेरे पास ग्रॉस लॉस तो है, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं. हम सीओजीएस का फॉर्मूला लगाते हैं नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. तो भाई नेट सेल्स है मेरे पास 60,000, ग्रॉस लॉस है मेरे पास 4,000, तो सीओजीएस आ चुका है 64,000 का. ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल हम यहां पर करते हैं. 64,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक है 36,000, नेट परचेजेस है 45,000, डायरेक्ट एक्सपेंस अब कौन कौन से हैं इसमें? देखो हम ये लिख चुके हैं सैलरीज एंड वेजेस. मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी कि वेजेस एंड सैलरीज हो तो डायरेक्ट है, सैलरीज एंड वेजेस हो तो इनडायरेक्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा. सेल्स हम लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं. फ्रेट इनवर्ड, यस फ्रेट इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा. वही अगर यही पर अगर लिखा होता फ्रेट आउटवर्ड तो वो नहीं आता. ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना ही है. इस साइड का टोटल है 87 माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई? 87,000 माइनस 64,000 विच इज इक्वल्स टू 23,000. देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तीन नंबर में, क्योंकि यहाँ पर आपने एक पार्ट ये सॉल्व किया है, एक पार्ट आपने ये सॉल्व किया है. तो क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला ही तो है जो आपको इस्तेमाल करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपको नेट सेल्स दे रखी है 1,00,000, आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? सीओजीएस. कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% होता है. आपको जीपी भी निकालना है और सीओजीएस भी निकालना है. अब कैसे निकाला जाए? हमें नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशनशिप पता है कि एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर कॉस्ट भी आता है, नेट सेल्स भी आता है, जीपी भी आता है. हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल के बता सकती हूँ आपको, बट पहले हम एक प्रॉपर मेथड देख लेते हैं. देखो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. क्योंकि आपका जीपी कॉस्ट का 25% है, तो आप करेंगे लेट द सीओजीएस बी एक्स. नाउ द जीपी इज 25% ऑफ एक्स, विच मीन्स इट इज एक्स बाय 4. अब जो सीओजीएस है वो किसके बराबर होता है? नेट सेल्स माइनस जीपी. ठीक है, अब सीओजीएस को हमने क्या माना है? एक्स. नेट सेल्स है हमारे पास 1,00,000, जीपी है हमारे पास एक्स बाय 4. तो आप सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स बाय 4 1,00,000, फिर 5x बाय 4 इज इक्वल्स टू 1,00,000. तो x की वैल्यू आ गई 1,00,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 80,000. अब अगर सीओजीएस 80,000 है, अब अगर कॉस्ट आपकी 80,000 है, तो जीपी क्या है? जीपी तो मैंने क्या बोला था उसका x बाय 4, यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो जीपी कितना आ गया आपका? 20,000. ये तो है प्रॉपर हमारा मैथमेटिकल फॉर्म जिसके अंदर हमने फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के अकाउंटिंग की तरफ से हमने पूरा सॉल्व किया है. बट मेरे पास इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ. अब वो तरीका सीखो जरा, कॉस्ट और सेल्स का. अगर कोई परसेंटेज कॉस्ट की दे रखे, जैसे कि यहां उन्होंने बोला कि जीपी कॉस्ट का 25% है, तो 25% का मतलब क्या होगा भाई? 1/4. अगर मुझे कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाना है, यानी कि अगर मुझे ये जानना है कि जीपी कॉस्ट का तो 25% है, वो सेल का कितना परसेंट है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो सेल का कितना परसेंट है, तो मैं डायरेक्टली निकाल लेती. आपको कॉस्ट से सेल की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर तो लिखना है एज इट इज 1, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर को करना है प्लस, यानी कि 4 + 1 ये हो गया 5. सपोज फ्रैक्शन 2/5 हो तो आप यहां लिखेंगे 2 और 5 + 2 7. परसेंट इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कोई चीज अगर कॉस्ट की 1/4 है तो वो सेल की कितनी परसेंटेज होगी.
अब यहां पर उन्होंने बोला था कि जीपी कॉस्ट का 25% था, यानी कि 1/4 था, तो सेल्स का कितना हुआ वो 1/5। तो आप सीधे सीधे यहां पर जीपी निकाल सकते थे 1,00,000 का 1/5, यानी कि सीधे देखो आपका आंसर आ गया 20,000। और यहाँ भी तो आपका आंसर 20,000 है, आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपने इस चीज का इस्तेमाल किया और आपका आंसर आ गया 20,000। अब सेल में से जीपी माइनस करते तो आपकी कॉस्ट आ जाती, तो आप ये भी कर सकते हो। अब आपने कहा चलो मैडम अगर कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाना है तो आपने बता दिया कि प्लस करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करना होता है। बट अब वही चीज अगर सेल्स से कॉस्ट की तरफ जाना है, सपोज करो कोई चीज सेल्स की 1/3 है, कॉस्ट का निकालना है, तो न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर के लिए 3-1, यानी कि यहां आ गया 2। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपको डायरेक्ट भी कैसे करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। अब तीसरे क्वेश्चन में भी सेम इन्फॉर्मेशन है, नेट सेल्स है 1,00,000 जी। तो यहाँ जो ये जीपी है 33/1/3 ऑन कॉस्ट, तो इसको देख के डरना नहीं है, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको सॉल्व करोगे 33 × 3+1, यानी कि ये हो जाएगा 100/3%। आप परसेंटेज का साइन हटाओगे ये हो जाएगा 1/100, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपली 1/3 ऑन कॉस्ट है। अब कोई चीज अगर कॉस्ट की 1/3 है तो बताओ सेल्स की कितनी होगी, कोई चीज अगर कॉस्ट की 1/3 है तो सेल्स की कितनी होगी, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर के लिए 1+3 यानी के 4। तो सिंपली आप 1,00,000 का 1/4 कर दोगे, आपके सामने आपका आंसर है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो आज मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो टिल देन तैयारी करते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए।